इस दुनिया में लोग कभी भी हंसने की वजह से नहीं मरती है। ज्यादातर लोग तो इसलिए मर जाती है क्योंकि वो हंसना भूल जाती है। बहुत पहले 3 साधु एक साथ रहते थे। वो किसी को शिक्षा नहीं देते थे, किसी को प्रवचन नहीं सुनाते थे, वो तीनों लोगों से बात ही नहीं करते थे। वो तीनों बस एक ही काम करते थे। वो तीनों गांव के बीचों बीच खड़े हो जाते थे और जोर जोर से हंसने लग जाते थे। उन तीनों को हंसते देखकर बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाता था। उनके हंसी देखकर जो लोग इकट्ठा होते थे उन्हें भी हंसी आ जाता था। लोग हंसते हंसते अपने चिंता और दुख दर्द के बारे में पूरी तरह से भूल जाते थे। जिस भी गांव में जाते थे गांव वाले से भोजन मिल जाता था। लोग जब उन्हें उनके नाम के बारे में पूछते थे तो फिर वो और भी ज्यादा हंसने लग जाते थे और इस वजह से लोगों ने उन्हें हंसने वाले बाबा कहकर बुलाते थे। पूरे जीवन भर वो तीनों ऐसे ही बिता दिया था। लेकिन इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो है ही। तब उन तीनों में से एक बाबा की जीवन में वो पल आ गया था। एक दिन रात को उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। वैद्य जी को बुलाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ था और वो मर गए थे। तब ये बात एक गांव से दूसरे गांव में आग की तरह फैल गया था। लोगों को इस चीज का दुख नहीं था कि उनकी मौत हो गई है, वो बस यही देखने के लिए उत्सुक थे कि उनके मौत के बाद बाकी दो साधु कैसे रोती है। अगले दिन सुबह जब बहुत सारे लोग उन बाकी दोनों बाबा को देखने के लिए गए तो फिर उन्होंने देखा कि वो बाकी दो बाबा और जोर जोर से हंस रहे थे। वो तो इतना तेज हंस रहे थे कि वो जीवन में कभी भी ऐसे नहीं हंसे थे। तब कुछ लोग जाकर उन दोनों बाबा से कहने लगे, आपके साथी चला गया है, कम से कम आप दोनों आज तो मत हंसो, आज तो थोड़ा रो लो। तब वो दोनों बाबा जीवन में पहली बार बोले, हम तीनों में ये शर्त लगी थी कि जो भी पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा बाकी दोनों उसकी मौत पर हंसेंगे। हमारे ये साथी आज शर्त जीत गया, हम हार गए, हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। तब आखिर में जब अंतिम संस्कार का बारी आया, तब जब लोगों ने उनका कपड़े बदलने जा रहे थे तो फिर बाकी के दो बाबा ने कहा, नहीं, इसके बारे में भी हमारे अंदर बात हुई थी। इसने कहा था, जब मेरे अंतिम संस्कार हो तो फिर मेरे कपड़े मत बदलना, मुझे इन्हीं कपड़ों में चिता में लेटा देना, क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं। पूरे जीवन भर इतना हंसा कि मेरे अंदर अशुद्धि कभी भी जमी ही नहीं। दोस्तों, हम लोग जिंदगी के दौर में चलते चलते हंसना भूल चुके हैं। इस दुनिया में ईश्वर ने हमें ये गुण दिया है कि हम हंस सकते हैं और मुस्कुराहट फैला सकते हैं, पर हम लोग उन गुण के बारे में भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और उसके साथ साथ हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।